तो इस ग्राइंडर का मशीन का व्हील यहाँ पे जाम हो चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं ये हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा घूम रहा है और पूरा जाम है। तो देख सकते हैं अभी घूम रहा था, अभी जाम है। तो इस कंडीशन में क्या करना है, इस तरह की प्रॉब्लम आ जाए तो क्या करना है, आज हम आपको सिखाएंगे स्टेप बाय स्टेप। तो जानने के लिए बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। और इसके अंदर देख रहे हैं कुछ हिलता हुआ नज़र आ रहा है। तो सबसे पहले इसको हम नीचे से इसको खोल लेते हैं, और यहाँ पर हमने खोल लिया है और अब देखेंगे इसका क्या प्रॉब्लम है। इसका जो व्हील है यानी मोटर जाम हो चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं मोटर का राउटर जो है डायरेक्ट प्ले हो चुका है, यानी देख सकते हैं प्ले होके ये टूट के नीचे आ चुका है। और यहाँ पर देख सकते हैं ये अंदर तीन नट दिया हुआ है यहाँ पर है, और यहाँ पर दूसरा वाला तीसरा वाला। तो इन तीनों नट को हम निकालेंगे और ये बाहर आ जाएगा। इससे पहले हम दिखा देते हैं, यहाँ से अंदर से कुछ मिला है हमें, जैसा कि ये देख सकते हैं तीन नट मिला है, यानी अंदर से इसका नट जो है खुल चुका है, इसका जो राउटर है इसका नट। तो यहाँ पर हम व्हील को खोलेंगे, उसके बाद ही इसको निकालेंगे। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले इसका यहाँ से नट खोल देते हैं। तो यहाँ से हमने नट को खोल दिया है और ये निकालेंगे। ये अभी इस तरह से नहीं आएगा क्योंकि इसका जो राउटर का जो सिर्फ कवर वही बाहर आएगा, राउटर नहीं आएगा। तो राउटर को बाहर लाने के लिए हमें नीचे से इसका व्हील जो है, चक्का जो है जो घूमता है, इसको खोलना होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये राउटर नहीं आ रहा है, सिर्फ इसका कवर आ रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस व्हील को किस तरह से खोलना है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है। तो यहाँ पर इसके सामने कैप देख सकते हैं, इस कैप को इस तरह से हम निकाल देंगे। तो यहाँ पर आपको एक स्क्रू नट नज़र आ रहा है। तो इसको खोलने के लिए हमें इस व्हील को कपड़े की मदद से इस तरह से पकड़ना होगा, या कपड़े की मदद से हम इस तरह पकड़ लेंगे और ये व्हील को हम उल्टा घुमाएंगे। तो देख सकते दाएं तरफ घुमा रहा है तो ये खोल रहा है। तो ग्राइंडर मशीन का यही है मेन खासियत, इसका जो राउटर का व्हील हो या आपका मग का यानी जार का व्हील हो, ये हमेशा उल्टा ही खोलता है और उल्टा ही लगता है, यानी दाएं की तरफ खोलता है और बाएं की तरफ लगता है। जनरली हमारा नट जो है बाएं की तरफ खोलता है और दाएं की तरफ लगता है, लेकिन ये दाएं की तरफ खुल रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम इसको नीचे से पकड़ के घुमा रहे हैं, ये खुल रहा है, तो बाहर आ चुका है। देख सकते हैं इसका नट वगैरह, इसको इनको आप संभाल के रखना है। और यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो व्हील है, सॉरी राउटर जो है, ये बॉडी के साथ अटैच था, लेकिन ये बॉडी के साथ यहाँ पे टूट चुका है। तो कोई बात नहीं, इसका हम कुछ करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं नट कहाँ से बाहर आया है। ये तीन नट मुझे भी नहीं पता इसके अंदर क्या है, क्योंकि इस तरह का प्रॉब्लम जो है मुझे पहली बार मिला है। तो यहाँ पर धीरे धीरे हम इन सारे चीज़ों को, बॉडी के साथ राउटर वगैरह, मोटर वगैरह, हम सभी को बाहर निकालेंगे, क्योंकि हमने नट ऑलरेडी खोल दिया है, और निकाल के देखेंगे ये कहाँ से नट खुला हुआ है। तो ये बाहर आने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, धीरे धीरे से करके आपको इस तरह से बाहर निकालना है, वरना ये वायर वगैरह टूट सकता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो ये प्लेट है जो बॉडी के साथ अटैच था, और यहाँ पे जो तीन नट है, यहाँ पर ये तीनों नट इस मोटर के साथ लगा हुआ था, इस प्लेट के साथ। यहाँ पर देख सकते हैं तीन नट खोल के बाहर आ चुका है, यार एक नट आधा लगा हुआ है, इसलिए ये थोड़ा लगा हुआ था। और मुझे लगता है यही प्रॉब्लम है, क्योंकि ग्राइंडर मशीन हमारा जब भी वर्क करता है यानी घूमता है, हम इसको चलाते हैं तो ये वाइब्रेशन करता है, क्योंकि कोई भी मोटर अगर घूमता है तो वाइब्रेशन होता है, आपको मालूम होगा। तो वाइब्रेशन की वजह से इसका जो इस प्लेट के साथ नट था जो अभी हम लगा रहे, यही नट वाइब्रेशन के साथ धीरे धीरे खोल के बाहर आ चुका है, और बाहर आके इसका जो राउटर है नीचे चला गया है, जिसकी वजह से ये व्हील बॉडी के साथ अटैच होके जाम हो चुका था, घूम नहीं रहा था मोटर। तो अभी हम तीनों नट लगा देंगे, और एक नट आधा लगा हुआ था, और इन सारे नटों को टाइट करके लगा देंगे। तो यहाँ से यहाँ पर हम कर देते हैं इन सारे को कस के टाइट, और अभी हम इसको जिस तरह से खोला है उसी तरह लगा के ये बॉडी के साथ जो तीन नट है इनको लगा देंगे, और ये आसानी से देख सकते हैं, मुझे लगता है 100% ही हमारा इसका जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो चुका है। ये अभी जाने में प्रॉब्लम कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे करके आपको बिठाना है। और यहाँ पे देख सकते हैं ये बाहर आ चुका है जो राउटर का मुंह है, और यहाँ पे हम नट को आगे पहले बॉडी के साथ लगा देते हैं। तीन नट है यहाँ पर हमने खुला था, और ये देख सकते हैं अब ये फ्री घूम रहा है। तो ये बॉडी के साथ जो टुकड़ा टूट के बाहर आ चुका है, तो इसका क्या प्रॉब्लम है, इसको हम निकाल लेंगे तो अगर हो सके तो निकाल लेंगे, नहीं तो हम अंदर की तरफ इसको दबा के रख देंगे। ये बॉडी के साथ इसलिए दिया हुआ था क्योंकि अगर यहाँ से अंदर मोटर तक पानी ना जा पाए, तो अभी ये टूट चुका है, इसके तो कोई हल नहीं है।
तो अभी हम इसको हमने नीचे डाल दिया है और व्हील को जिस तरह से खोला था उसी तरह से हम इसको व्हील को लगा देंगे। सबसे पहले व्हील लगाया है और अभी हम नट को डाल देते हैं यहाँ पर और अभी इसको हम बाएं की तरफ घुमाएंगे और ये जो व्हील है हमारा ये टाइट हो जाएगा। तो इसको ज़्यादा ज़ोर से टाइट करना नहीं है, बस हल्का इसका जितना तक घूमता है बस उतना तक पीछे से पकड़ के आपको टाइट करके रख देना है, क्योंकि ये उल्टा घूमेगा तो ये और भी टाइट होगा, ढीला कभी भी नहीं होगा क्योंकि ये इस तरह से घूमता है मोटर। तो यहाँ पर हमने इसको लगा दिया है और अभी हम बिजली देंगे, इसको सप्लाई देंगे और यहाँ पे देख सकते हैं हमारा व्हील बिल्कुल टाइट होके बैठ चुका है, अभी हिल नहीं रहा है और यहाँ पे व्हील भी घूम रहा है तो देख सकते हैं ओके है। तो अभी हम इसको पावर कनेक्शन देंगे यानी इसका स्विच ऑन करेंगे और अभी देखेंगे ये घूम रहा है कि नहीं। तो अभी ये घूम नहीं रहा है क्योंकि यहाँ पर इसका एक स्विच है, क्योंकि ये जार के साथ अटैच होके घूमता है। तो अभी इस कुछ ऑन कर दिया है, स्विच को दबाएंगे तो देख सकते हैं व्हील हमारा बिल्कुल घूम रहा है। ये हमारा ग्राइंडर मशीन ओके हो चुका है, आप सुन सकते हैं इसकी आवाज़, ग्राइंडर मशीन ये बराबर अच्छी तरह से घूम रहा है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी जाम नहीं है। तो इस तरह से आप इस तरह की जो प्रॉब्लम है इसको रिपेयर कर सकते हैं और आइडेंटिफाई कर सकते हैं।